अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कादिर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज द फीलिंग? ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी वो यू आर ऑल्सो प्राउड कि एक अरशद नदीम ने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और गोल्ड मेडल लेके आए हैं पाकिस्तान में 32 ईयर्स बाद ओलंपिक्स में, कैसा फील करें आप? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि अरशद नदीम जैसा एथलीट पाकिस्तान का सबूत है और पाकिस्तान में इस वक्त हर चेहरे पर जो है वो खुशी नुमाया देखी जा सकती है कि अरशद नदीम जो है वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और 118 साल जो तारीख है उसको चेंज किया, फिर 40 साल का जो रिकॉर्ड था गोल्ड मेडल का वो तोड़ा, फिर उसके बाद लास्ट जो मेडल था हमारे पास वो 32 साल पुराना था। और दिलचस्प बात ये है, एक बात ये है कि 1992 में 8 अगस्त है उसके दौरान ही हमें हॉकी में मेडल आया था, जो लास्ट मेडल आया था उसके बाद 8 अगस्त जो है 2024 में अरशद नदीम ने ये गोल्ड मेडल हमारे नाम किया, हमारे लिए खुशियां बिखेरी और 92.97 की जो थ्रो फेंकी उन्होंने, फिर उसके बाद आखिरी जो थ्रो थी वो भी 90 अबव थी मीटर्स। और इसी तरह से देखिए, अरशद नदीम का जो रिकॉर्ड रहा है शुरू से पाकिस्तान के लिए वाहिद होप थी और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें भी अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया बर्मिंगम में। तो ये चीजें देखें, अरशद नदीम के अगर कंपैरिजन बाकी एथलीट्स के साथ किया जाए तो बाकी एथलीट्स के पास बहुत ज्यादा सहूलियात मयसर हैं और नीरज चोपड़ा जो भारतीय हरीफ थे, जो भी सिल्वर मेडल हुए हैं उनकी अगर बात की जाए तो नीरज चोपड़ा जो है वो जर्मनी में ट्रेनिंग करते रहे हैं, बाहर जो है वो 7 से 8 माह ट्रेनिंग करते रहे हैं, उनको हर तरीके से जो है उनकी फेडरेशन ने, उनके स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको फैसिलिटेट किया। लेकिन एक बात की जाए अरशद नदीम की तो यहाँ पर जो है वो उनके पास जेवलन तक नहीं थे। Exactly. फिर उसके बाद जो है वो हमने खबरें चलवाई, उसके बाद हमने हाईलाइट किया मामले को तो इनको होश आई और फिर उसके बाद एथलेटिक फेडरेशन ने और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने मिल के जो है वो अच्छा कादिर, अगर बात करें जैसे आप बता रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी लेकिन यहाँ पर अरशद के पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, यहाँ पर कोई एकेडमी नहीं थी, लेकिन अब गोल्ड मेडल जीतने के बाद यहाँ पर ऐलान किया गया गवर्नमेंट ने कि एकेडमी प्रॉपर बनाई जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके पास तो जेवलिन स्टिक भी नहीं थी। तो एक तो ये कि पहले तो सपोर्ट नहीं था किसी की तरफ से, उन्होंने अपने ओन पे किया ये कुछ सब कुछ, तो उस स्पिरिट को क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने शो किया है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पहली जो थ्रो थी उनकी वो उस टाइम पर वो थ्रो मिस हो गई थी, फाउल हो गया था और फिर उसके बाद जो दूसरी थ्रो थी उसने तमाम जो एथलीट थे उनके मुकाबले में उनको हैरान कर दिया था उन्होंने। उसके बाद से आपने देखा होगा कि नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो की थी दूसरी, वो उनकी टर्न उनसे अरशद नदीम से पहले थी जो 89.45 मीटर की उन्होंने थ्रो की थी। उसके बाद से जब अरशद नदीम की बारी आई, अरशद ने जब 92.97 की थ्रो की, उसके बाद से आप देख लें कि आप जैकब को देख लें चेक रिपब्लिक के जो वर्ल्ड रैंकिंग में है, फिर उसके बाद गर्नाडा के जो पीटर्स हैं उनको देख लें, नीरज चोपड़ा को देख लें जो जो गोल्ड ब्रॉन्ज और सिल्वर के हकदार थे, जो उम्मीदवार थे, उनको उनको आप कंपैरिजन करें तो अरशद की 92.97 की थ्रो के बाद से इनकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई थी और जो तमाम एथलीट थे वो हिम्मत हार चुके थे और तमाम तर जो एथलीट थे उनकी जो थ्रो में देखा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा भी मुसलसल फाउल कर रहे थे और उनकी एक थ्रो हुई थी, बाकी सब थ्रो जो उनकी जो उन्होंने फाउल किया था और उनकी कोशिश जो है वो नाकाम रही थी। तो अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है कि पेरिस ओलंपिक्स में वाहिद गोल्ड मेडल आया है और वो अरशद नदीम ही पाकिस्तान के लिए लेकर आया। लेकिन बाकी जो एथलीट थे जिसमें शूटिंग में थे मुकाबले, स्विमिंग में मुकाबले थे, उनमें पाकिस्तान की बहुत नाकस कारकर्दगी रही है, वो इसी वजह से रही है कि हमारे एथलीट्स को बाकायदा तौर पर सहूलियात मैसर नहीं की जाती, उनका बाकायदा तौर पर ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अरशद नदीम जैसे बहुत से सपूत ऐसे हैं जिनको तराशना बाकी है, जिनको निखारना बाकी है, लेकिन कोई सहूलियात के फुकदान की वजह से हमारे एथलीट्स जो हैं वो ग्रास रूट लेवल से ही आगे प्रमोट नहीं किया जाते और ना उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता जहां वो जाकर वो अपने जौहर दिखा। अच्छा कादिर, यहां पर अगर आप हमारे साथ अरशद नदीम का कुछ बैकग्राउंड, कुछ हिस्ट्री शेयर करना चाहें कि कहां से उनका ताल्लुक था, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि ही हैज़ डन दिस ऑल ऑन हिज ओन, तो क्या इनका बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री है? देखिए, अरशद नदीम जो थे वो शुरू में क्रिकेटर बनना चाहते थे,
और जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो उन्होंने अपने गांव में ही क्रिकेट खेलते थे और पंजाब लेवल पर क्रिकेट भी खेली हुई है और काफी अच्छे बॉलर भी थे, अच्छी बॉलिंग भी करवाते थे। फिर उसके बाद जो है वो क्रिकेट छोड़कर उन्होंने फुटबॉल खेली और उसके फुटबॉल में उनकी पोजीशन फुल बैक थी, जबकि उसके बाद जो उन्होंने कबड्डी और बैडमिंटन में भी हिस्सा लिया, फिर तमाम जो गेम्स थी वो छोड़ दी थी और स्कूल लेवल पर एथलेटिक्स की गेम्स भी में उन्होंने हिस्सा लेने शुरू किया। डिविजनल लेवल पर पाकिस्तान का बेहतरीन एथलीट करार पाए। फिर उस वक्त जो है उनके कोच ने उनको मशवरा दिया था, जो वहां पर उनके गांव में कोच थे, उन्होंने कहा था कि आपकी फिजीक अच्छी है, आपकी जिसामत अच्छी है, मजबूत है, तो आपको जेवलिन की तरफ आना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो क्रिकेट कहते अरशद नदीम तो यही है कि उस वक्त शौक उनका क्रिकेट था, क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट में जो नाम बनाना है वो बड़ा मुश्किल था। और 2015 से जेवलिन में इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है अरशद नदीम ने, जबकि 2016 में भारत में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ा। जबकि उनसे अक्सर जो है वो कहा जाता था कि वो जब रनअप लेते हैं तो वैसे लेते हैं जैसे कोई बॉलर भाग रहा होता है, और क्रिकेट में जैसे जो बॉलर जो है वो या फील्डर जो है वो भागते हैं, तो उनकी रनिंग इस तरह की जाती है कि उनका रनअप जो है वो क्रिकेट से मुशावा किया जाता है। लेकिन आप जाकर वो अरशद नदीम कहते हैं कि उनका रनअप बेहतर हुआ है और उस पर मजीद काम करें, जबकि आने वाले वक्त में मजीद जो है वो इसको बेहतर करेंगे। तो ये चीजें देखें, ये करियर है उनका कि पहले क्रिकेट, फिर बैडमिंटन, फिर उसके बाद एथलेटिक्स में आए और पहले फुटबॉल भी खेली उन्होंने, कबड्डी भी खेली, तो तमाम तर गेम्स में वो एंट्री ले चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अरशद नदीम को जहां पर इज्जत लिखी हुई थी वो है जेवलिन थ्रो, जिसमें उन्होंने गुज़श्ता रोज एक रिकॉर्ड कायम किया, ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा, 118 साल हिस्ट्री ओलंपिक की चेंज की। आप देखें कि हमारे पास हॉकी में सिर्फ 2 गोल्ड मेडल थे, फिर उसके बाद हमें जो लास्ट जो बॉक्सिंग में हमें मिला था वो हुसैन शाह है, कराची से उनका ताल्लुक है, उन्होंने 1988 में जो है वो हमारे लिए मेडल हासिल किया था। लेकिन उसके बाद जो 1992 में हॉकी में हमने मेडल हासिल किया, उसके बाद से अब 2024 32 साल गुजरने के बाद अब अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए खुशियां लाया है और गोल्ड मेडल की सूरत में लाया। अच्छा, अरशद को पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा मुबारकबादें मिल ही रही हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से भी काफ़ी मुबारकबादें आ रही हैं, मुबारकियाँ आ रही हैं। तो नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, ओपोजिशन में थे उनके, उनके वालदा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि गोल्ड मेडल जहाँ मर्जी गया है, हम उसके लिए, वो भी हमारा बेटा है, हम खुश हैं। तो जो इंडिया ये स्पिरिट दिखा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मुबारकबादें दे रहा है, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, मुझे खुशी ये हुई है कि अरशद नदीम जब गोल्ड मेडल जीते हैं तो उस वक्त जो है फौरी तौर पर नीरज चोपड़ा की वालदा का एक बयान सामने आया है, भारतीय खबर एजेंसी ने उनका इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि सिल्वर पर खुश हैं और अगर जिसने गोल्ड जीता है वो भी हमारा बच्चा है, तो ये एक माँ ही इस तरह की सिचुएशन बयान कर सकती है। और दूसरी तरफ युवराज सिंह एक वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने अरशद नदीम को बैक किया है। आप मुझे अफसोस इस चीज का कि बड़े बड़े नाम है इंडियन क्रिकेट में, लेकिन उनके अंदर एक हौसला नहीं है, उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि वो अरशद नदीम को सपोर्ट कर सकें, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल है, जिसमें इरफान पठान भी शामिल है, जिसमें हरभजन सिंह भी शामिल है। इन तीनों को ये नहीं पता कि सिल्वर मेडल जीतने वाले को नीरज चोपड़ा को ये मुबारकबाद दे रहे हैं, तो अगर युवराज सिंह और नीरज चोपड़ा की वालदा ये मुबारकबाद जो है उनके लिए दुआ भी कर सकती है और दुआ कर सकती है, तो ये सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान और हरभजन सिंह, इनको भी चाहिए था कि ये गोल्ड मेडल जीतने वाले के लिए भी हौसला निकालते, कि उसके लिए भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करते, कि अरशद नदीम को भी मुबारक देते। मुझे सचिन तेंदुलकर से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा अजीम प्लेयर जिसने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया है और पूरी दुनिया उसको जो है वो उनको सपोर्ट करती रही है, तो उनको, लेकिन उनको, उन्होंने भी अरशद नदीम का जिक्र भी किया। आप देखें कि युवराज सिंह ने काफी हद तक जिक्र किया, फिर उसके बाद हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो शाहीन का इस टाइम पे कैंप लगा हुआ बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है, उन्होंने मुबारकबादें दी हैं बॉलिंग को, जो उमर गुल हैं, सरफराज अहमद हैं, उमर अमीन है, मोहम्मद अली हैं, आप दीगर जो प्लेयर्स इस्लामाबाद में मौजूद है, जब उन्होंने 92.97 की थ्रो फेंकी थी तो उस वक्त उनकी जो खुशी थी वो दीदनी थी। आप देखें कि जो भारतीय T20 फ्रेंचाइज है पंजाब किंग, उन्होंने पाकिस्तानी जो अरशद नदीम है और भारतीय नीरज चोपड़ा, उनको शाबाश दी है और तस्वीर पर अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 92.97 मीटर और नीरज चोपड़ा की बेहतरीन थ्रो लगाकर उन्होंने जो कैप्शन दिया है वो दोनों एथलीट्स को दाद दी है, जबकि पंजाब किंग ने
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोनों जेवलिन थ्रो की स्क्रीन भी शेयर की है। तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर ओलंपिक्स में जब गोल्ड मेडल आया है पाकिस्तान का, तो उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हो गया है। अरशद नदीम के जो सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम है उसमें फॉलोअर्स की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। और गोल्ड मेडल जीतने के चंद लम्हों के बाद अरशद नदीम के इंस्टाग्राम पर हजारों की तादाद में फॉलोअर्स जो है वो आए हैं। और इंस्टाग्राम पर जो उनके पहले जो फॉलोअर्स थे वो 144,000 थे, जबकि गोल्ड मेडल जीतने के बाद फॉलोअर्स की तादाद 2.25 लाख से तजावज कर गई है। तो आप ये देखें कि मुख्तलिफ जगहों से मुबारकबादों का सिलसिला आ रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी उनका मुकाबला देख रहे थे, साथ में चेयरमैन यूथ प्रोग्राम जो है वो राणा मशहूद वो मौजूद थे वहां पर, और उन्होंने भी जब तालियां बजाई हैं पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर, जब अरशद नदीम ने जो है सजदा शुक्र अदा किया है और 92.97 मीटर की थ्रो में जब उनका गोल्ड मेडल पक्का हुआ है। तो ये चीजें चलती हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है। और खास तौर पर अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना, जो पाकिस्तान के दीगर एथलीट्स हैं जो निगलेक्ट होते रहे हैं, इग्नोर होते रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। ये बहुत अच्छा हुआ है कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीते हैं, और उनके लिए खास तौर पे बहुत अच्छी ये चीज है कि अरशद नदीम ने। बिल्कुल कादिर, ठीक है आपने, लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ये जो युवराज सिंह ने मुबारकबाद दी है बाकियों को भी देनी चाहिए थी। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स स्पिरिट होता है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, या कोई भी एथलीट गेम हो, सपोर्ट तो हर तरफ से मैटर करता है।